कुशीनगर ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आज ताइक्वांडो गेम का आयोजन किया गया। पूरे जिले से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि भाई उन्होंने इस गेम में अपना प्रतिभा कायम करके और मेडल जीत कर कितना बड़ा काम किया है। और कहीं ना कहीं ये ही बच्चे हैं, इनमें से कुछ आगे बढ़कर इस पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ ताइक्वांडो एसोसिएशन कुशीनगर के कोच हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? दीपक मदेशा। दीपक जी, ये कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम अहम क्यों होता है और इस बार का कार्यक्रम अलग क्यों है आपका? सर एक्चुअली पहले जब भी हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराते थे तो कहीं से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि विनय राय जी जैसे जो APN चैनल के चीफ एडिटर हैं उनके द्वारा कुछ सपोर्ट मुझे मिला, जिससे लगा कि अब लोग कहीं ना कहीं से कॉपरेट कर रहे हैं। हमारे संस्था के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, तमाम पदाधिकारी जिन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सहयोग करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये चैंपियनशिप इतना अच्छे तरीके से मैं करा पा रहा हूँ। लास्ट टाइम आपका बिंदु के साथ इंटरव्यू जब हमने किया था तो आपने बताया था कि चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस तरह का एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है और देख रहे हैं बच्चों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। जी सर, मैं आपसे बताऊँ कि कोविड के चलते तो हम लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन इस कोविड में भी जो भी जितने खिलाड़ी थे मैंने खिलाड़ियों के अंदर वो अलग जगा के रखा, कहीं ना कहीं से पूरे कोविड में इस अलग को जगा के रखा कि आप एक खिलाड़ी हो और आपको ये भूलना नहीं है कि आप आगे जाके देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है सर, और आज वो चीज़ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मेरा अपना आपका सहयोग, मेरा संस्था का सहयोग रंग ला रहा है सर। तो बात कर लेते हैं बच्चे से, जानते हैं कि इस बार एनर्जी कैसी रही। एक छोटा सा बच्चा हमारे पास दिख रहा है, छुपा हुआ दिख रहा है, और पता चला है कि सबसे पहले इन्हीं का मैच हुआ है और ये फर्स्ट मेडल जीते हुए हैं। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। क्या नाम है आपका? राजवर्धन सिंह। राजवर्धन सिंह, बड़ा मतलब शक्तिशाली नाम रखे हैं आप। हमने रखे, मेरे पापा, मेरी दीदी और मेरे चाचू रखे हैं। अच्छा ये बताओ, ये मैच कैसे आप जीत गए? एक बच्चा मेरे साथ कर रहा था तो मैं उसका पैर में जो होता है फुट वाला वो खुल गया तो मारने लगे, हम ना फुटबॉल के कर रहे थे, वो देख के कुदर गया तो कहा कि हम नहीं खेलेंगे। देख के डर गया? हाँ। आपके नाम से डर गया कि आपको देख के डर गया? हम फुटबॉल के कर रहे थे, वो देख के डर गया तो भाग गया। भाग गया है? अरे तो फिर मेडल आ गया, मेरा गोल्ड आ गया, फर्स्ट हो गया। वाह, बहुत बहुत बधाई। आप अपने नाम के तरह अपना पूरा शक्तिशाली बनिए आगे चल के, कि ऐसे ही देख के बड़े बड़े रोग लोग जो है रिंग छोड़ के भाग देते। हर जश्न की होगी अपनी नई पहचान, हर त्योहार का होगा एक नया एहसास, ऐश ब्रा जेम्स एंड जूल्स के साथ। तो साहब आपका जो सबसे छोटा कैंडिडेट है उसको देख के बच्चे भाग रहे हैं। हाँ सर, कहीं ना कहीं से इन बच्चों का और पेरेंट्स का भी लगाव है इस स्पोर्ट से, और खासकर पेरेंट्स तो हमारे पास अपने बच्चों को इसीलिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा फिट रहे, फिजिकली फिट रहे, लेकिन धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस गेम को अपना मतलब एक प्रोफेशनल चीज़ बना लेते हैं कि नहीं अब वो मुझे अपना लाइफ इसी में सिक्योर करना है। तो और भी कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बात करने में अच्छा लगता है इनके साथ। बच्चियाँ हैं यहाँ पर, बच्चों से बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मैच में? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पिछली बार मेरा इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ था चैंपियनशिप तो मेरा सिल्वर आया था, तो हम एकदम पक्का करके रखे थे कि इस बार गोल्ड लेकर ही रहेंगे। तो दो लोगों से कम्पीट करना पड़ा आपको? यस सर। अच्छा, तो गोल्ड मेडल अपने आपके हाथ में है। yes, तो फिर आगे प्लानिंग क्या है, कहाँ तक जाना है? सर हमको इंटरनेशनल तक खेलना है। अच्छा, आपके टीम में आपके जो सर हैं उनके साथ एक बिंदु मैम रहती हैं? यस सर। उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया है, नाम रोशन किया है, तो उन लोग से उनसे सीखने को मिलता है कि नहीं? सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, और बच्चे जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनको उनसे भी हम बात करते हैं, और आप भी पार्टिसिपेशन किए हुए हैं? जी सर। तो आपने कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, आप क्या देखते हैं पहले से, जो चैलेंजेस आपका बढ़ा है या फिर एक तरह से आपके लिए आसान रहा ये जीतना? ये चैलेंजेस बढ़ा है और आसान भी है माने तो।
क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है, नहीं प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस रेगुलर रहता है या रेगुलर रहता है। कोच सर का कैसा सपोर्ट रहता है? बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है कोच सर का, काफी हम लोग पे मेहनत करते हैं और काफी समय देते हैं हम लोगों को, इसीलिए अच्छा, जो एसोसिएशन है उनका सपोर्ट कैसा रहता है यहाँ पे खेलने पर? ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है? लगता है, लगता है। बिंदु वगैरह लोग को देख के इंस्पिरेशन मिलती है जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों को देखने के, लगता है कि हम भी वैसे बने, हमारा भी नाम हो। तो यहाँ जो बच्चे हैं, आपको बताएं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने बिंदु का इंटरव्यू किया था, वो ताइक्वांडो से नेशनल लेवल की गेम खेल चुके हैं। बिंदु के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताइए हमको, जो दर्शक अभी पहली बार देख रहे हैं उनको, उनके लिए। सर, बिंदु गुप्ता महज 8 साल की थी तब से मेरे पास ट्रेनिंग करती है और आज वो फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट भी है। तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि बिंदु का एक अलग लगाव रहा है गेम से, और मैं बस थोड़ा सा एक माध्यम हूँ सर। बाकी ये बच्चों के अंदर ऑलरेडी पहले से वो चीज़ है, कंटिन्यू इनका मेहनत, कंटिन्यू परफॉर्मेंस कि नहीं आज मैं, आज अच्छा नहीं हुआ तो मैं कल बेहतर करूँगा, और उस लगाव के साथ आज ये करती गई बिंदु। बिंदु को आज तक कहीं भी मैं लूज़ होते नहीं देखा, वो कुछ भी करती हो सर, मतलब हमें लगता है कि किसी भी तरह की बाइक हो वो चलाती है, चाहे वो 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, 10-व्हीलर हो, 12-व्हीलर, कोई भी गाड़ी हो वो सब। मतलब बिंदु ने अकेले कुशीनगर क्या पूरे भारत को मना दिया है कि महिलाओं में इच्छा शक्ति हो तो वो किसी पुरुष से कम नहीं है, और वो अपने आप में दम खम। भैया आप दो दो लोग से हो सकता है, आपने जीता है लेकिन दो दो लोग से आपने पिटाई खाया है जी। तो उसके बाद से गुस्सा कभी आता है कि सामने वालों को प्रतिद्वंदी अगर फाइट करते समय कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो उसमें तो कैसे कंट्रोल कर पाते हो? तो सर कंट्रोल भी करना पड़ता है और फाइट भी करना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है सर। तो क्या लगता है गुस्सा, एंगरनेस और काम अपने जीत के लिए कितना अहम है अगर बैलेंस हो तो? सर गुस्सा गेम में नहीं सही है, गुस्सा करेंगे तो वो जीत नहीं हासिल होगी, काम रख कॉन्फिडेंस से खेलना होता है उसमें सर। यस सर, आपका एक्सपीरियंस रहा इस संबंध में थोड़ा सा आपसे हम समझते हैं। हाँ सर, अगर कहीं ना कहीं से प्लेयर रिंग में अपने गुस्से को दिखाता है तो मुझे लगता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और वो बाउट नहीं निकाल पाएगा, ना ही आगे कभी जब बढ़ पाएगा। तो ये लोग खिलाड़ी जो होते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टेक्निकल तरीके से खेलते हैं। अभी आप जिस बच्चे से बात कर रहे थे उस बच्चे का नाम है अमित श्रीवास्तव, और मैं आपको बताते चलूँ सर कि संजना श्रीवास्तव हमारे एसोसिएशन की एक अच्छी खिलाड़ी है जो नेशनल प्लेयर है, और ये अमित श्रीवास्तव उसी का भाई है छोटा। ये दोनों भाई बहन एक ही गेम को करते हैं सर, और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस इन लोगों का रहता है हमेशा। तो ताइक्वांडो कुशीनगर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हमारे साथ सुरेश जी हैं, इनसे भी समझते हैं कि सर इस बार का जो कार्यक्रम रहा काफ़ी ज़्यादा भव्य रहा, और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेशन रखे हैं इसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ऐसे कार्यक्रम को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो ये प्रतिभा हैं, वास्तव में दीपक कुमार जी ने जो सोच रखी ये पूरे देश में ये नाम रोशन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ था, अपने कुशीनगर में इस तरह के कभी टैलेंटेड नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज जो छोटे छोटे बच्चों के जो हुनर है वो पूरे स्टेट लेवल और इंडिया लेवल के भी गेम खेल चुके हैं, और अभी देखे फिर 13-14 नवंबर को एक बहुत डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन का वो पार्टिसिपेट होने जा रहा है। तो ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, और इस तरह की जो सोच रखे हैं और इस तरह के लोगों को जो आप प्रदर्शन करा रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे। सर एक चीज़ मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना करूँगा, शुभकामना देंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए कि एक समय था कि ताइक्वांडो को, मतलब अगर कुशीनगर के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते ही नहीं थे कि कौन सा गेम है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पार्टिसिपेशन ऐसा रहा कि बिंदु जैसा खिलाड़ी परफॉर्म कर रही है नेशनल लेवल पर। जी बिंदु के साथ साथ और श्वेता वर्मा है, संजना श्रीवास्तव है, संजना सिंह है, बहुत लड़के जा कर के मतलब डेवलप कर रहे हैं, और बिंदु के अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो स्विंग
कुछ भी कर सकती है, कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण काम क्यों न हो तो करती रहती है। और इस तरह की हौसला जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर भी आ रहा है और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है कि अपने शत्रुओं से हम कैसे रक्षा करें। और आज तमाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इसमें बच्चों के अंदर वो टैलेंट और आत्मनिर्भरता बढ़ रहा है कि हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कैसे करें और अपनी सुरक्षा कैसे करें, इस तरह की सोच बच्चों में डेवलप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ताइक्वांडो के इस एसोसिएशन की शुरुआत जब से हुई है तब से ताइक्वांडो के प्रति रुचि लोगों के अंदर बढ़ा है और लगातार जब ये लोग गेम करा रहे हैं, लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम से बड़े स्तर का प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर कुशीनगर का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से खिलाड़ी ताइक्वांडो का भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हम इन सभी पूरी टीम को धन्यवाद कहेंगे। चैंपियनशिप इस डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के बाद स्टेट चैंपियनशिप माननीय ज्ञानेश्वर भंते जी का जो मंदिर है उस मंदिर में 12, 13, 14 नवंबर 3 दिनों के लिए स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश की सारी टीमें आ रही हैं, लगभग टीमें आ रही हैं और वो मैच बड़ा ही रोचक होगा क्योंकि तब बात एक ज़िले की आ जाती है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मेडल हर हाल में लेके तो आएंगे। वो मैच होम ग्राउंड पे हो रहा है तो भाई कुशीनगर को तो जीतना ही जीतना है। तैयार आप लोग हैं? एकदम तैयार हैं सर कि इस बार फर्स्ट प्राइज कुशीनगर को ही आएगा, उसके लिए चाहे जी जान लगा के मेहनत करना पड़े तो हम लोग रेडी हैं। तो आप सभी इनको शुभकामना भेज दीजिए, कमेंट के माध्यम से भी शुभकामना दे दीजिए। और ये लोग कुशीनगर में होने वाले प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नंबर 1 आए, इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू। आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।